उस टाइम जैसे आजकल प्लस साइजेस होते हैं, उस टाइम नहीं होते थे प्लस साइजेस, तब मैं सिर्फ सूट्स और साड़ीज तक सिमट के रह गई। आई वेंट टू लंदन एंड दुबई, तो वहाँ पे भी ना वो सब पतले इतने सारे वहाँ पे भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर मुझे एक नीग्रेस मिली, मैं उन्हें फड़िया, मैं क्या पहन, तू दस तेरा क्या प्लस साइजेस का भी मेरे को लगता है ये कुछ सालों से अवेयरनेस आ गई है, और जो ब्रांड्स हैं उन्होंने भी अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये एक मेजर सेगमेंट है, इसको केटर किए बिना गुजारा नहीं है। बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड माई किड्स, मैं कुछ भी पहनूँ वो कभी पॉइंट आउट नहीं करते, बिकॉज दैट इज अ मेजर नो नो। आपने कुछ पहना, आपको कोई पॉइंट आउट करे, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है एक्चुअली। ओह माय गॉड, ये वाला एक लाइफ की जर्नी पे वीडियो में बनाने जा रही थी, और ये इनकी मीडियम साइज से प्लस साइज में आने वाली जर्नी में जो ट्रांजिशन आया, ये उस पे वीडियो बन गया। आज के वीडियो में मेरे साथ मेरे एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, मैं इनको बहुत सालों से जानती हूँ, और आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि ये मेरे साथ अपने बचपन से लेके जवानी की और आज तक की अपनी जो फैशन जर्नी रही है वो मेरे साथ शेयर करें। आपकी बचपन में या आपके कॉलेज के दिनों में या जब आपकी शादी हुई उन दिनों की जो आपकी फैशन स्ट्रगल्स रहती थी, या घर वालों को मनाने की या कुछ सिलेक्शन करने की जो स्ट्रगल्स रहती थी, वो कैसी जर्नी थी, और आज आपको क्या लिबर्टीज हैं, और कितना फैशन करना इजी हो गया है आज की डेट में। आई वुड रियली लव अगर आप वो सब मेरे साथ शेयर करें। श्योर। पहले जब हम स्कूल में, वहीं से आई रिमेम्बर, स्कूल में थे तो वी यूज टू डू करेला वाली चोटी एंड विद रेड रिबन्स, एंड ऑयलिंग योर हेयर वॉज अ मस्ट। अगर वो नहीं होता था तो बहुत चुतियाँ पड़ती थी मम्मी से, क्योंकि और हम शैम्पू के बाद बाल नहीं खोल सकते थे, बिकॉज शी माई दादी यूज टू से अगर बाल खुले छोड़ोगे चिड़ेला चंबड़ जान गया। दैट इज वन लाइन आई रिमेम्बर ऑफ माई दादी, शी यूज टू से दैट। देन स्कूलिंग में वी यूज टू वेयर ट्यूनिक्स, मेरी दिल्ली में स्कूलिंग हुई है तो हम ट्यूनिक्स डालते थे, कोई अनकम्फर्टेबल नहीं था। देन वेन आई शिफ्टेड टू पंजाब माई कॉलेज डेज, देन आई वॉज अ फैन ऑफ पटियाला सलवार, हमें बस वही आता था, पटियाला सलवार एंड दुपट्टा, पंजाबी जूती, शॉर्ट शर्ट एंड देन पंजाबी जूती। चंडीगढ़ में ये दैट वाज द इन थिंग थी, जो यही हम लोग करते थे। देन वी यूज्ड टू स्विच टू जीन्स एंड टी शर्ट्स। अच्छा, तब आपके टाइम पे आप पहनते थे जीन्स एंड टी शर्ट, वी यूज्ड टू वेयर बट नॉट वेरी शॉर्ट टी शर्ट्स, दैट वाज अ स्ट्रिक्ट नो नो फ्रॉम आवर पेरेंट्स कि हम नहीं पहन सकते थे, और कभी कोशिश भी नहीं की इतना पंगा लेने की माँ बाप से। हम वो पहनते थे। देन ड्यूरिंग मैरिज तो वही था, सूट्स एंड साड़ीज एंड लहंगा चोली, एंड द सबसे प्रॉब्लम आई व्हेन आई गेन वेट। उस टाइम जैसे आजकल प्लस साइजेस होते हैं, उस टाइम नहीं होते थे प्लस साइजेस का भी मेरे को लगता है ये कुछ सालों से अवेयरनेस आ गई है, और जो ब्रांड्स हैं उन्होंने भी अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये एक मेजर सेगमेंट है, इसको केटर किए बिना गुजारा नहीं है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द वुमेन दे आर नॉट वेरी स्लिम जस्ट लाइक यू, अब हमारे जैसे नहीं, बट यू आर मतलब परफेक्ट, नियरली परफेक्ट आई विल से। तो हमारे जैसे भी हमारे कोई ब्रांड्स नहीं होते थे, ना ही कोई स्टिचिंग करता था, हमारे नाप की जीन्स नहीं मिलती थी, हमारा साइज नहीं मिलता था। बट सिंस लास्ट 5 or 6 years अब तो मार्केट इज फुल ऑफ प्लस साइज क्लोथ्स, आई थिंक वो ज़्यादा क्लोथ्स उनके अब हमारे को ब्रांड्स में भी मिल जाती हैं, हम पहन भी देते हैं। बट दैट पीरियड फ्रॉम माई व्हेन आई गेन वेट, दैट 5 or 7 years हमें बस वो सूट्स पे, वेट गेन क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी। मोस्टली लेडीज के साथ ये होता है कि जब बेबी हो गया तो उसके बाद वेट गेन हो जाता है, और वापस अपनी वो पुरानी जो कुवारे होते वाली जो फिगर होती है उस पर वापस नहीं आ पाते हैं, तो दैट इज़ द मेजर रीज़न। हेल्थ इश्यूज और वो सब होना इज सेकेंडरी, है ना। मेजर लेडीज में, इंडियन लेडीज में स्पेशली, वापस से वो पुरानी फिगर पर बहुत कम लोग होते हैं जो उस पुरानी फिगर पर आ पाते हैं, पर शौक ख्वाहिशें जो होती है वो सारी वही होती है, नहीं कम होती है, और ना हमारा मुंह बंद होता है, बिकॉज टू लूज वेट यू हैव टू क्लोज योर माउथ, यस यू हैव टू ज़िप अप। वो और हम बिकॉज वी आर पंजाबी, तो बटर चिकन एंड छोले भटूरे, दैट इज अ मस्ट, तो वो हो गया। एंड
टू बी वेरी फ्रैंक, आई नेवर मैंने कभी कोशिश भी नहीं की बहुत ज़्यादा वेट लूज करने की. 5 kgs इधर, 5, दैट वॉज फन. आई वॉज हेल्दी, आई एम हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर हैप्पी इन हाउ यू आर? या या, आई एम कम्प्लीटली कम्फर्टेबल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, माई किड्स, मैं कुछ भी पहनूँ वो कभी पॉइंट आउट नहीं करते, बिकॉज दैट इज अ मेजर नो नो. आपने कुछ पहने, आपको कोई पॉइंट आउट करे, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है. एक्चुअली तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है. बट अब हमारे पास इतनी चॉइसेस हैं, और आई विश मेरे पास उस टाइम इतनी चॉइसेस होगी. तब मैं सिर्फ सूट्स और साड़ीज तक सिमट के रह गई थी हमारी ड्रेसिंग, वो ना कोई वो नहीं. आजकल मतलब मेरे से भी काफ़ी एज लेडीज हैं, मेरे से ज़्यादा, वो भी इतनी स्मार्टली ड्रेसअप होती हैं, और इतना अच्छा लगता है ना आजकल. मतलब आपके हमारे पास इतनी चॉइस है ना, बट आई मिस कि उस टाइम हमारे पास ये होनी चाहिए थी. हमने ना बहुत वो टाइम, मैंने अगर कभी कहीं बाहर ट्रैवल करो तो वहाँ से फिर मिल जाते थे, बट तब फॉरेन ट्रैवल्स भी इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते थे जितना अब हो गया है. नहीं, आई वेंट टू लंडन एंड दुबई, तो वहाँ पे भी ना वो सब पतले इतने सारे वहाँ पे भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई. फिर मुझे एक नीग्रेस मिली, मैं उन्हें फड़िया, मैं क्या पहन, तू दस तेरा क्या. फिर उसने मुझे लंदन में एक प्रीमार्क करके ना मॉल है, शॉपिंग मॉल प्राइमार्क है, तो वहाँ मैं गई. फिर वहाँ पे मुझे बड़ी कंफर्टेबली मिल गई, मगर यहाँ के वो भी आप कितनी ले आओगे और कितनी वो चलेंगी. exactly, हैं तो exactly. यहाँ के फिर वही साल डेढ़ साल दो साल पहना, फिर बाद में वही वाला वही शुरू हो गया. सूट पटियाला सलवार दे सलवार शर्ट, कभी पीछे एम्ब्रॉयडरी करा ली, कभी अगे करा ली. हमारे पास टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, स्पेशली जो थोड़े हेल्दी है. जो प्लम्पियर साइज, और डिज़ाइनर्स भी पहले हुआ करता था कि डिज़ाइनर्स ये प्लस साइजेस को उतना केटर नहीं करते. मे बी बिकॉज शुरू में मेरी भी थोड़ी सी थिंकिंग ऐसी होती थी कि यार मॉडल साइज बनाओ, बट मेरे को बहुत जल्दी ये समझ आ गया था. काम शुरू जब किया ना, एक दो साल में समझ आ गया कि ये जो हम साइजेस बना रहे हैं, दीज आर गुड फॉर हमारा जब प्रोडक्ट शूट हो रहा है या हमारे फैशन शोज हो रहे हैं. अल्टीमेटली वो जो मॉडल साइजेस वाले पीस हैं वो लटके हुए हैं, बिकॉज हमारे पास एक्सेल, डबल एक्सेल, 3XL, एक्चुअल जो रियल लेडीज हैं उनके साइजेस वो है. ये है वो मॉडल, वो तो 10 में से 1 ही होगी जो मॉडल. उसके बाद रियलाइजेशन आई कि जो डिजाइन्स मॉडल्स को चल सकते हैं प्लस साइज को वो डिजाइन्स नहीं. इट्स नॉट ओनली अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ डिजाइन्स, इट इज के उनके लिए स्टाइल्स कौन से होंगे, कट्स कौन से होंगे, और किस में वो कंफर्टेबल होंगे, कौन कुछ क्या ठीक लगेगा उन पे. अब ये नहीं है कि ना हम 2 पीस बिकनी डाल के निकल जाए. एग्जैक्टली, क्या हम पे कंफर्टेबल भी हो, एंड इट शुड लुक राइट ऑन अस, कोई पॉइंट आउट ना करे. जैसे आई हैव ग्रोन अप किड्स, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कभी भी मुझे पॉइंट आउट करे, मम्मा आपने ये अच्छा नहीं लग रहा आप पे ना, इन दहा. तो ये तो मैं कभी नहीं चाहूँगी. तो जो आप मॉडल्स के लिए जो होते हैं वो तो आप सिर्फ 1% टारगेट कर रहे हो, बाकी 99% आर वेरिएबल साइजेस फ्रॉम एक्सेल टू दिस. Right. और अब तो मॉडलिंग भी होती है प्लस साइज क्लोथ की. यस, दैट इज सो ग्रेट, दैट इज सो अमेजिंग. नहीं, आई रियली लव दैट. बट मेरे वीडियोस के नीचे ना अक्सर लोगों के, जो मेरे प्लस साइज वाले बहुत वीडियोस मैं बनाती हूँ, बिकॉज आई काइंड ऑफ स्पेशलाइज इन दैट सेगमेंट. तो उसमें जो हम पिक्चर्स डालते हैं रेफरेंस के लिए, जो इमेजेस लगाते हैं, तो लोग नीचे आके कमेंट करते हैं कि आप अपनी पिक्चर जो रेफरेंस दिखा रहे हो वो तो पतली पतली लड़कियां दिखा रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा, बोल आप प्लस साइज के लिए रहो. उसमें क्या होता है, जब हम ऑनलाइन अगर कोई पिक्चर सर्च करने जाते हैं तो एक्चुअल में हमें उस रेफरेंस की प्लस साइज मॉडल के ऊपर पिक्चर मिलती ही नहीं है. जो पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं वो पतली मॉडल्स की हैं. हाँ. तो हम ये कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि कोई भी फोटो ना लगाने, जो फोटो अवेलेबल है वो लगाओ. बट अभी ये जो प्लस साइज की जो मॉडलिंग होनी शुरू हो गई है, फोटोशूट्स होने शुरू हो गए हैं, इट इज़ ईजियर टू एक्सप्लेन ऑल्सो. और जो इस साइज की जो लेडीज हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इसने प्लस साइज वाली ने पहना हुआ है तो ये मेरे पे भी अच्छा लगेगा. चूज करना भी ईजी होता है, बट अभी भी बहुत कम है. जैसे आप कोई बिग साइज फेसबुक या ऑनलाइन कहीं भी सर्च करते हो तो मॉडल्स ने ना वहाँ पे लिखा होता है दिस मच हाइट, दिस मच वेट, शी इज वेयरिंग अ एल साइज. तो प्लस साइज वालों को एल साइज का हमें क्या लेना देना, हम तो कभी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है. तो सी अभी भी मॉडल
मुझे लगता है बहुत ज्यादा आगे आना चाहिए मॉडल्स, और मॉडल्स बड़ी स्मार्ट लगती है कई, जैसे एमेटर्स, और उसमें मैंने देखा है उनकी मॉडल्स दे आर प्लस साइज बट दे लुक सो स्मार्ट, और कैरी भी अच्छे से करती हैं, फिर हमें लगता है यार इन्हें पाइए तो अभी भी पास आ जाए, वो कॉन्फिडेंस आता है हमारे, वो देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओह माय गॉड, ये वाला एक लाइफ की जर्नी पे वीडियो में बनाने जा रही थी, और ये इनकी मीडियम साइज से प्लस साइज में आने वाली जर्नी में जो ट्रांजिशन आया ये उस पे वीडियो बन गया। बट ट्रस्ट मी, मुझे इसमें बहुत मज़ा आया, एंड आई एम श्योर हमें जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इनके साथ कितना रिलेट करते हैं, और आप ऐसी और कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।